हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। और दोस्तों, आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम रीसेट करते हैं GTU पासवर्ड, जो कि हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त काफ़ी परेशानी देखने को मिल रहा है उसमें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरीके से कोई भी रेगुलर अपडेट और स्टूडेंट सपोर्टिव किस तरीके से हम कर सके, आपको इस तरीके की कोई भी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम सर्च करेंगे गूगल में। तो करेंगे सर दोस्तों GTU स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास जो पहला लिंक ओपन होगा दोस्तों, उसमें ही जाएंगे तो आपके पास पूछा जा रहा है कि जैसे कि देख सकते हैं, मैसेज फ्रॉम द वाइस चांसलर इंग्लिश गुजराती, उसके बाद गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एनरोलमेंट आईडी आपका डाल लेना होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना डाल लेना, मैं एक रैंडम कोई भी डाल दे रहा हूँ। और फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों, कैप्चा लिखना अनिवार्य है, ठीक है। जो कैप्चा बोली जा रही है वो आपको लिखना होगा। अब कैप्चा लिखने के बाद क्या करना है आपको, फॉरगेट पासवर्ड कर देना है, ठीक है। साइन इन नहीं करना है आपको। क्रिएट न्यू अकाउंट अगर आप फर्स्ट टाइम है तो ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, एनरोलमेंट के साथ। और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपको जो बताई गई है एनरोलमेंट नंबर, नेम और मेल आईडी और नंबर अगर सही है, आपको लगता है, तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद अगर आपको अभी भी लगता है कि अपडेट करना है आपको आपकी मोबाइल नंबर में या तो ईमेल आईडी में, तो जैसे यहाँ पे जाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी मांगा जाएगा। वो चीज़ें आप फिल करेंगे तो एक मेल आईडी यानी कि ये जो मैसेज है, मेल है, वो चला जाएगा आपके इंस्टीट्यूट को। वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर दी गई हुई ऊपर में एनरोलमेंट सही है, नाम मैच कर रहा है, और ईमेल आईडी अगर चेंजेस नहीं करवाना है, नंबर भी चेंजेस नहीं करवाना है, तो गेट रिसेट पासवर्ड में कर देना है कैप्चा डाल के, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ और भी एक चीज़ जो बता देता हूँ सिंपली, कि अगर मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपडेट चाहिए किन्हीं को तो कैसे करेंगे। तो क्लिक हेयर पे जाएंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक हेयर पे जाएंगे तो आपका नाम, एनरोलमेंट और न्यू मेल आईडी जो आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर आप सिंपली जा सकते हैं, ठीक है, जो मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहेंगे। तो फिर कैप्चा डाल के सेंड रिक्वेस्ट कर देंगे, तो ये सेंड रिक्वेस्ट कहाँ चला जाएगा, आपके अपने कॉलेज में चला जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से अप्रूवल होने के बाद मोबाइल नंबर और आपके मेल आईडी चेंज हो जाएंगे। अगर ये नहीं कुछ करना है तो आपको क्या है, सिंपली कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल देने के बाद गेट पासवर्ड करना है। पासवर्ड करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ही अंदर आपके मेल आईडी यानी कि आपके जो पासवर्ड है वो आ जाएगा, और दूसरा यूज़र आईडी आ जाएगा। यूज़र आईडी में सिंपली आपका क्या आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड में कोई डिजिट आ जाएगा। तो उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको मैं यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। कैप्चा डाल के 4D5 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो आएगा लास्ट, कैंसिल करके यहाँ क्या है, कैंसिल ओके, तो आपको दबाना होगा ओके में, ठीक है। फिर आपको क्या कर देना है, गेट पासवर्ड ओके डन, यस। तो यहाँ पे आ गया पासवर्ड चेंजेस सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर और ईमेल अकाउंट फॉर योर डिटेल्स, ठीक है। जो आपने डाला है यहाँ पे मेल आईडी और फ़ोन नंबर, वहाँ पे मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा विद इन 10 मिनट्स के अंदर ही अंदर। तो आई होप गाइस ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। अगर सॉल्व हो गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको मैं देते रहूं। तो ओके, थैंक यू गाइस।